तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स 3/4 की जो वैल्यू है वो एक्स के बराबर है, हमको कॉस एक्स चाहिए। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका है कॉट इनवर्स 3/4 इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाएंगे, ये एंगल जो है हमने x हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब कॉटेक्स इसमें अप्लाई करेंगे तो कॉटेक्स क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 यूनिट, ये आपका हो जाएगा 4 यूनिट। अब CA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां से ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, AC हमको चाहिए तो AB की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर। BC की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए क्या होगा, ये आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16, कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25, AC इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये आपका 5 हो गया। तो आप देखिए यहां से, अब हम यहां से cos x जो हमको चाहिए वो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos x हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका AB अपॉन AC, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो 3/5 ये जो आ रहा है, ये आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।